प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे वो अब फेल साबित हो रहे हैं। किसानों की हितैषी सरकार होने के बावजूद भी किसानों को यूरिया खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में यूरिया का संकट देखने को मिल रहा है। वितरण व्यवस्था और उचित प्रबंधक की कमी के चलते किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दसाई क्षेत्र में इस बार सीजन में गेहूं का रकबा अधिक होने से खाद की आवश्यकता भी अधिक है। सोसाइटी से लेकर निजी क्षेत्र में भी दिक्कत बनी हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यूरिया खाद की इतनी दिक्कत नहीं आई और जब मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार आई तब से सरकार ने किसानों को धोखा ही दिया है। पहले 2 लाख का झूठा वादा किया और ज्यादा वर्षा होने के बाद सोयाबीन की फसल खराब होने पर भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। किसानों द्वारा 2 से 3 घंटे तक लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर 2 से 3 कट्टे खाद मिलती है। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ सरकार इन किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था कर पाती है या इसी तरह खाद को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खाद नहीं मिल रही है, 2 महीना से खाद एक थैली दो दो थैली नाम दौड़ गया है, परेशान करता है भाई। कितने दिन से खाद नहीं मिल रहा है? अरे लाइन चाहती है, एक के साथ दो दो थैली देते कहीं वगैरह आवे आपके का पैसा कैसे तो मुनाफा में रखे था खतरे खतरे नहीं मिली हो। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं, क्या कर सको इनका कि कुछ नहीं बोले, कहीं नहीं भेजना, कहीं करो रोज आवाज के नहीं है खाद, नहीं आवाज खाद नहीं है, नहीं आवाज के खाद नहीं है भाई, लाइन में खड़ा रखी रखी नहीं, हम परेशान करते रोज कहीं आया के खाद पूछो थे भाई, इन्हें कर्मचारियों ने पूछा अरे खाद नहीं है, आगे से आएगा देंगे, अरे तो हम कहीं करा, अरे तो खाद तो नहीं, फिर धान हुक्की रही तो सोएज पा क्या कोई नहीं सुबह की वजह से लाइन ना आए सुबह नहीं भैया 9 बजे ना आई ने। आपका नाम? क्या कारण के खाद नहीं मिल पा रहा है? कारण क्या होता है, क्या है कि ज़्यादा रकबे में गेहूँ लगा हुआ है, इस कारण किसानों को थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। कब तक किसानों को खाद मिल जाएगा? खाद बहुत जल्दी हो जाएगी, करीब करीब बहुत सारा यूरिया तो बढ़ चुका है और आने वाला है और यूरिया आ रहा है, रोज एक ट्रक आ ही रही है तो व्यवस्था हो रही है। एक डायरी पे कितना खाद दे रहे हो? एक डायरी पे पहले 5 दिया था, अभी जा भीड़ देख के 2-3 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। आपका नाम और पद बता दो? मेरा नाम विष्णु पाटिल। क्या पद है आपके? सहायक प्रबंधक। हाँ, ये जब आप सोसाइटी में आए हो क्या है पूरा मामला? अरे हमको खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जब से कांग्रेस पार्टी आई है और इन्हें लालच दिया था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, ना तो कर्जा माफ़ किया ना को खाद दे रहे, हम खाद के लिए भटक रहे हैं, हम कहीं अभी तक खाद नहीं मिला हमको। दो कितने दिन से आप भटक रहे हो खाद के लिए? मैं 15 दिन से भटक रहा हूँ। आपका नाम बता दें? मेरा नाम पप्पूदास बैरागी है साहब। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।